हमने जो डिप्लोमा एंट्रेंस के लिए वीडियो बनाई थी चैप्टर वन रियल नंबर्स की, आज उसकी वीडियो टू है, सेकंड वीडियो है। रियल नंबर में छोटा सा टॉपिक रह गया था जो मैंने आपसे कहा। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं या रियल नंबर्स होते हैं, तो जब आप उनको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो उनके थ्री टाइप्स के डेसिमल्स होते हैं। कौन कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं, किस तरह के डेसिमल फॉर्मेशन होते हैं और उस पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस पर छोटी सी वीडियो है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है डिप्लोमा में भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया में भी, 11 साइंस के लिए भी, और ये वाला क्वेश्चन जो है जनरल एग्जाम में भी पूछा जाता है, MBA में, LLB में, दूसरी जगह पे भी। तो छोटा सा टॉपिक है, तो उस पर जो क्वेश्चन है देख लीजिए। 10th में भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि 10th का ही हम रियल नंबर वाला पार्ट कर रहे हैं, तो जो बच्चे 10th कर रहे हैं उनके लिए भी ये MCQ वाला पार्ट है। तो ये हमारे पास है, आपको दिया हुआ, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, फ्रैक्शंस अगर होते हैं तो वो रैशनल नंबर ही होते हैं। अब इन रैशनल नंबर्स में कौन सा जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, एक तो आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा इसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन, ठीक है, अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर आपके पास कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, मान लीजिए ये नंबर टर्मिनेटिंग है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसको आपको 8 से डिवाइड करना है। देखिए ये वाला नंबर भी टर्मिनेटिंग है, आपसे कहा जाए कि इसका डेसिमल बताइए, लेकिन जबकि ये आपको 4 डिजिट से डिवाइड करना है, 3125 से। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन हमारे पास ये इस पे बन जाता है, जैसे दिया हुआ है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आप डेसिमल नंबर को देख के क्या बता सकते हैं कि अगर ये रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसमें क्यू के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन है, तीनों को एक साथ देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर्स को अगर आप डेसिमल में चेंज करें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे पास, और मैं रेशनल नंबर के साथ साथ यहाँ पे मेंशन कर दूं रियल नंबर्स, जैसे आपके पास ये 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1.0, जैसे ये आपके पास 1/2 है तो इसको आप लिख सकते हैं 0.5, जैसे आपके पास 1/5 है आप लिख सकते हैं 0.2। मैं आपसे कहूं ये है आपके पास 1/20 ले लेते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं 5/100 0.05। अब एक ये ले लें 1/3, इसे आप कह सकते हैं 0.33 और फाइनली 0.3 बार। और एक और मैं अगर आपसे कहूं ये ले लेते हैं √2, तो ये है 1.414325 समथिंग। तो दो चीजें हैं आप अगर देखें, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास हैं शुरू वाले, ये रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में और इनका जो डेसिमल आया है ये आया है टर्मिनेटिंग, ये भी रैशनल है
और इसका डेसिमल आया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल होता है या तो वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी में पढ़ाए तो शांत दशमलव और ये अशांत, ठीक है, लेकिन पुनरावर्ती वाला, रिपीट करने वाला। और ये जो हमारे पास है ये होता है इरेशनल, और इरेशनल होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये बस, अब इसमें अगर आप समझना चाहें तो यही हमारे पास रूल है कि अगर आपके पास कोई नंबर p by q की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, तो अगर उसमें जो फ्रैक्शन है, जैसे आपके पास कोई नंबर है p by q, और अगर q के फैक्टर्स या तो 2 है, 2 के फैक्टर्स हैं, q जो है के फैक्टर्स 2 हैं, या q के फैक्टर्स सिर्फ 5 हैं, या ध्यान रखिए दोनों हैं, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होता है, आइदर इट इज 2 और 5 और बोथ। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, अगर उसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है, यह ध्यान रखिए कुछ भी नहीं आ रहा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि 2 की पावर 0 5 की पावर 0 तब भी टर्मिनेटिंग, जैसे यहाँ है ये वाला जो पोर्शन है ये वाला है, ना यहाँ 2 है ना यहाँ 5 है तो भी टर्मिनेटिंग, ये वाला जो पोर्शन है वो ये है, इसमें सिर्फ 2 है, ये वाला जो पोर्शन है वो ये वाला है, इसमें सिर्फ 5 है, और ध्यान से देखिए ये वाला वो है जिसमें 2 भी है और 5 भी, ये सारे तो होते हैं टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बस इतनी सी बात है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पहचान करें, इसका मैं रीजन भी बता दूंगा क्यों होता है, आप इसको करेंगे तो यहाँ 5 की पावर 5 है तो ये टर्मिनेट, यहाँ पे अगर आप कहेंगे 2 की पावर 0 है, तो असल में चलिए फॉर्मूला देख लीजिए होता क्या है, ये दिया हुआ है, कि अगर हमसे ये कह रहा है लेट x a rational number whose decimal expansion terminate, then we can express x in the form of p by q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 की power m, 5 की power m. यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, where n m are non-zero negative integer, मतलब m और n जो हैं, zero भी हो सकते हैं दोनों, मतलब दोनों ही नजर ना आए, या कोई सा एक zero हो सकता है, या दोनों zero ना, तो non-negative integer, so ये हमारे पास question है। तो जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ सिर्फ 5 है, 2 नहीं दिख रहा तो 2 की पावर 0, यहाँ 8 है तो यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 5 नहीं है यहाँ, तो इसका मतलब 5 की पावर 0, तो ये भी टर्मिनेट है। ये 455 है अगर आप देखेंगे, तो 5 से अगर आप करेंगे 59 जा 51 जा, तो यहाँ 137 जा आ जाएगा, तो ये भी टर्मिनेट नहीं है, ये टर्मिनेट है, ये टर्मिनेट 1600 है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये 3 से 5 से 3 जा, और 5 से कितना, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो 32 10, तो ये इसके फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म्स में आ जाएंगे, 343 नहीं होगा, ये हो जाएगा, इसमें 7 आ रहा है तो ये नहीं होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि ये 6/15 है, तो अगर आप 15 को देखेंगे तो 3 × 5 आएगा, तो ऐसे तो नजर आ रहा है कि ये नहीं है, लेकिन इसमें क्या करना है, पहले इसको देखना है कि कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो इसका जो कॉमन है वो 2/5 है, तो ये भी टर्मिनेट है। इसी तरह से ये है 7/10, तो ये है, इसी तरह से ये देखना है 7/11 30, तो 3 आ गया, तो ये नहीं है। तो एक तो पहचान करनी है कि
टर्मिनेटिंग है या नहीं है। दूसरा, अगर आपको इनको टर्मिनेट में करना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसा यही क्वेश्चन कह रहा है, दो तरह से क्वेश्चन में इसमें बना रहा हूँ, आपसे कह दे इसका डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो ये पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, ठीक है, दिस डेसिमल विल टर्मिनेट। Will terminate, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो दोनों का मैं बता दूं करना क्या है, आपको ये देखना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। तो 3125 के फैक्टर्स हैं 5 की पावर 5। तो इसमें हमें करना क्या होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे पास डेनोमिनेटर है उसको 10 या 10 की पावर्स में कन्वर्ट करिए। 10 या 10 की पावर्स तो कैसे करनी है, जो 5 और 2 है उनकी सेम पावर होनी चाहिए। अब इसमें सिर्फ 5 ही है तो 2 की पावर 5, ये हमारे पास आ जाएगा 0.00416 S। तो आप नीचे कर लीजिए तो फिर आप डेसिमल्स लगा दीजिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इस पे बनते हैं। ऑल द बेस्ट, ट्राई करिए जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।